अमेजिंग व्यू है ये है। ये देखिए पानी का फ्लो देखिए कितना तेज है। इस तरफ से निकालते हैं और इसके पीछे भाई सुबह के बज चुके हैं 6:15 और मैं अभी रेडी हूँ जाने के लिए। और इस तरफ अपना बाइक भी एकदम रेडी है जाने के लिए, एकदम साफ धो के भाई रखा हुआ है। और अपना जो सामान है वो भी मैंने बांध लिया है यहाँ पर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आज मैं एक नई राइड पर जाने वाला हूँ और आज सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ से जाऊँगा पठानकोट। तो पठानकोट में एक अपना फ्रेंड है तो वो अमृतसर से आएगा गुरदासपुर वाली साइड से, और मैं यहाँ से जलंधर वाली साइड से जाऊँगा पठानकोट। तो अभी वहाँ पर चलता हूँ और उसके आगे भाई राइड करनी है। आज काफ़ी लंबा डिस्टेंस है तो बन रहना वीडियो के साथ। तो आइए अपनी जो राइड है उसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो भाई यहाँ से पठानकोट जाऊँगा मैं, तो नियर अबाउट 2 घंटे का सफ़र है। तो सबसे पहले जो करना है मैंने काम वो करना है, यहाँ से फ्यूल अप करवाना है अपना बाइक। सो अभी फ्यूल अप करवा लिया मैंने। आज जो मौसम है वो भी एकदम सही है, हल्के हल्के बादल हैं। ये देखिए डॉगी गैंग, और इस तरह भाई आर्मी वाले भी कहीं जा रहे हैं तो कितने सारे इनके ट्रक्स खड़े हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है नियर अबाउट 116 किलोमीटर्स, और 1 घंटा 54 मिनट्स लगेंगे। और अभी सूर्य देवता जी आ चुके हैं और मौसम भी आज एकदम सही है। तो लो जी भाई साहब, व्यू चेक करो ज़रा सामने। अभी दूर दूर तक मेरे को वो सामने थोड़े थोड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई ये छोटे से पहाड़ हैं। मैं पहले भी इस रास्ते से 2 बार जा चुका हूँ, तो जो मेन जो पहाड़ हैं वो आगे जाके ही हमें देखने को मिलेंगे। सो अभी जो 12 किलोमीटर के बाद अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर अपना जो फ्रेंड है जिसने अमृतसर से आना है आ रहा है, अभी रास्ते में ही है, अभी उससे मिलेंगे। वो भी साथ में ही जाएगा मेरे, उसके पास है हिमालयन बाइक, हिमालयन 450। श्रीनगर है यहाँ से 409 किलोमीटर्स। तो जब लद्दाख गया था मैं तो इसी रूट से गया था मैं वाया श्रीनगर, और वापस मैं मनाली की तरफ से आया था। आप मेरे वीलॉग भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया था वहाँ पर भी लद्दाख में। तो ये जो रिवर है ये ब्यास रिवर ही है। और अभी पीछे को जाना पड़ेगा। तो यार मैंने तो पहले भी इसको बोला था कि भाई रास्ता दूसरी तरफ से है, तो भी इस तरफ से जाएंगे हम डलहौजी वाली साइड से। और इस तरफ भाई बारिश हुई लगती है। ये देखिए जो रोड है वो भी गीली है, और वो देखिए सामने ये जो है ना आवारा पशु होते हैं, इनसे भाई बच के ही रहना पड़ता है। ये है खजूर के पेड़, एकदम लाइन में लगे हुए हैं भाई, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और ये जो रास्ता है ये जाता है डलहौजी को। मौसम तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन भाई जो धूप है ना वो काफ़ी तेज़ है। तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे, शायद वहाँ पर थोड़ा सा मौसम जो है वो हमें बढ़िया मिलेगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है, A1 व्यू है भाई। हाइट वाले पहाड़ आ चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसे रास्तों में भाई डर भी लगता है। और ये देखो भाई यहाँ से पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया गया है। सो
एक रेस्टोरेंट में रुका हूँ। तो अभी यहाँ से डलहौजी भी नियर अबाउट 25 किलोमीटर दूर है। तो अभी जो रेस्टोरेंट है काफ़ी बढ़िया है, और अभी यहाँ पर मैं और सहज जो हैं वो ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी आलू वाला पराठा मंगवाया और चाय मंगवाई है। क्या मैं दो चाय पीऊँगा जो इन्हें दो चाय मंगाई पे पीऊँगा। दो कप चाय मंगवाई है, इसने मौके पर मना कर दिया कि मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि ये पीता ही नहीं है। तो गाइस फाइनली यहाँ से मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो स्टॉप होगा वो है बैरागढ़ में। 127 किलोमीटर दूर है अभी बैरागढ़, और 3 घंटे 52 मिनट्स लगेंगे क्योंकि भाई रास्ता जो है ना। पता ही नहीं चला भाई कब नीचे गिर गया, यहाँ पर रखा हुआ था मैंने, थैंक गॉड मिल गया। तो अभी चलते हैं फिर। ये देखिए कितने ज़्यादा हाइट वाले माउंटेंस हैं, और अभी ये देखिए खतरों के खिलाड़ी रोड क्रॉस कर रहे थे अभी। तो कम से कम अभी मेरे को लगेंगे 4 घंटे पहुँचने में। नज़ारे हैं पूरे नज़ारे, व्यू देखो भाई सामने कितना बढ़िया, और इस तरफ देखो भाई एकदम लैंडस्केप जैसे होता है ना, कितना बढ़िया बना हुआ है भाई। चमेरा डैम है ये, तो देखने में भाई व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। तो वो है डैम जहाँ पर गेट भी बनाए गए हैं, यहीं पर भाई गेट लगे हुए हैं। उस तरफ से मैं आया हूँ, दूर से दिखाई दे रहा था। तो क्या भाई अमेजिंग व्यू है, ये है चमेरा डैम। ये देखिए पानी का फ्लो देखिए कितना तेज है, क्या बात है यार। ये वाला जो माउंटेन है ये हाइट पर है ज़्यादा, एकदम ऊपर सीधी सड़क है ऊपर। तो आज अपना डे वन है राइड का, कल भी राइड करनी है, कल थोड़ी ज़्यादा लंबी राइड होगी हमारी। सो यार जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पर हिमाचल का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है, और उससे आगे फिर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। सड़क पर आहत व्यक्ति की मदद करें। तो ये एक नया यहाँ पर ब्रिज बन रहा है, चलो जी ऑफ रोड हो गई ख़त्म, अभी एकदम सही वाली सड़क आ चुकी है फिर से। और अभी रास्ते में एक पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ से मैं फिर से अपने बाइक का फ्यूल टैंक को टॉपअप करवाऊंगा, क्योंकि उसके बाद बोला गया कि आगे नहीं आएगा पेट्रोल पंप। ये है असली नज़ारा, देखिए कितने सारे ट्रीज लगे हैं यहाँ पर। तो फ्यूल अप करवा लिया, अपना टैंक एकदम फुल करवा दिया फिर से, 250 का पेट्रोल आया इसमें। और ये एक छोटा सा ब्रिज आ गया है, ये देखिए इस तरफ से पानी आ रहा है ऊपर की तरफ से। पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, और जैसे लद्दाख में हम देखते थे कि पहाड़ों के ऊपर जैसे छाया बन जाती ना बादलों की, तो वैसे ही वहाँ पर हो रहा है अभी। उस तरफ अभी धूप अभी दिखाई दे रही है, इस तरफ अभी छाया दिखाई दे रही है। और वो देखिए टॉमी जी हमारे दो हैं वहाँ पर।
रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए रेस्ट मोड पर अभी। बढ़िया यार। दुर्घटना संभावित क्षेत्र, पत्थर ही पत्थर है यहाँ पर तो यार। ओए ओए, पानी गिर रहा है ऊपर से। इस तरफ से निकालते हैं। यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा। आई थिंक वो वाला होटल है। हाँ वही है। अभी होटल का नाम भी आपको बता देते हैं। इस होटल का नाम है होटल सच पास। ये देखिए और इस तरफ अपने फ्रेंड का बाइक खड़ा हुआ है। सो फाइनली पहुंच चुके हैं होटल सच पास। और यहाँ पर कितना रेंट है और कैसे यहाँ पर रूम्स हैं वो सारा भी आपको मैं दिखाता हूँ अंदर जाके। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ होटल सच पास। और इस तरफ आप नीचे देख रहे हो, ये नीचे अपने बाइक्स खड़े हुए हैं मेरा और सहज का। बाकी अपना ये होटल जो है काफ़ी बढ़िया होटल है। तो इसका जो रेंट है वो है 1300 रुपये। तो तीन बंदों में हमारा डिवाइड हो जाएगा फिर 400-500 एस्टिमेट इतना है। तो इतना पर बंदे को रेंट पड़ेगा। और अपना जो रूम है वो ये वाला है, अभी आपको दिखाता हूँ अंदर से। सो ये आप अपना दोस्त सहज आराम से रिलैक्स कर रहा है और इस तरफ अपना सामान रखा हुआ है। और सामने इस तरफ है बढ़िया सा एक व्यू। अभी वाइड एंगल कैमरा से आपको दिखा रहा हूँ व्यू। सही है यार। और यहाँ पर जो वॉशरूम है इनका वो भी काफ़ी बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है। तो ये है, यहाँ पर भी आप बाहर के नज़ारे ले सकते हो। सो गाइज अभी मैं सच पास होटल से देवी कोठी टेम्पल जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है ये, तो वही देखने जा रहा हूँ। और साइड पर आप देख सकते हो गाइज कितना बढ़िया यार व्यू है यहाँ पर। तो अभी वहीं पर पहुँच के आपको फिर दिखाएंगे मंदिर। सो ऊपर की तरफ भाई क्रेन चेक करो जरा, कितनी ज़्यादा हाइट पर है चढ़ी हुई। मैं पहुंच चुका हूं मंदिर में और अभी ट्रैक करके आया हूं मैं। कम से कम हमें 10 मिनट लग गए। और ये मेरे पीछे आप ऐसे स्टेयर्स देख रहे हो, पौड़ियाँ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पौड़ियाँ थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं मंदिर। सो ये सामने की तरफ है मंदिर और इसके पीछे भाई एकदम मस्त वाला व्यू है। तो अभी मंदिर के अंदर भी देखते हैं, जाते हैं। सो गाइस अभी मैं वापस होटल में जा रहा हूँ। तो ये जो मंदिर था अभी मैंने आपको दिखाया, ये 1754 ईस्वी में बना था। तो बढ़िया मंदिर था। तो अभी जा रहे हैं वापस होटल में। अभी होटल में आ चुका हूँ। तो मंदिर काफ़ी बढ़िया था, आपने देखा ही है। तो काफ़ी पुराना मंदिर बना हुआ है, आई थिंक 1754 का बना हुआ है। सो गाइस आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। सो गाइस अब मिलते हैं
कल के व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।